तो फिर हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय YT चैनल हेयर। तो फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में मैं आपको वन प्लस के कुछ एपीकेस, पोर्ट्स एपीकेस बताने वाला हूं कि आप उन्हें किसी भी शॉमी के डिवाइस में किस तरीके से मैनुअली डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको कुछ वन प्लस के ऐप्स, जैसे कि वन प्लस का कैमरा, वन प्लस की गैलरी एप्लीकेशन, वन प्लस की माई फाइल्स एप्लीकेशन, माई वन प्लस के फ़ोटोज़ एप्लीकेशन, इन सब की पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आप इनको किस तरीके से अपने किसी भी शॉमी के डिवाइस में विदाउट रूट किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ पे शुरू कर लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि इस तरीके से स्टेप्स के रिलेटेड वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर देखने के लिए मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ तो फिर फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे बात करते हैं वन प्लस के कुछ एप्लीकेशंस की। तो फिर यहाँ पे मैं अपने डिवाइस में एंड्रॉयड 12 यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं आपको इसमें एक बार वन प्लस की सभी एप्लीकेशंस का फुल रिव्यू यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करें वन प्लस के वेदर एप्लीकेशन की। तो जब आप यहाँ पे वन प्लस का वेदर एप्लीकेशन ओपन करते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे इस तरीके से लेआउट देखने के लिए मिल जाता है, अलाउ वेदर टू एक्सेस दिस डिवाइस लोकेशन। तो आपको सिंपली इस वाली डिवाइस की एप्लीकेशन को अलाउ कर देना है, जो भी आपसे ये परमिशन यहाँ पे पूछता है। उसके बाद इस वाली एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको ये यहाँ पे आपकी सिटी डालने को के लिए कहता है, जो भी आप जहाँ पे भी आप रहते हैं, और आपको यहाँ से अपनी GPS लोकेशन को भी ऑन कर देना है। तो फिर ये आपकी करंट लोकेशन आपके डिवाइस में बता देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जुलाई की, यानी कि यहाँ पे दिल्ली में 30 डिग्री सेल्सियस इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे वन प्लस का वेदर एप्लीकेशन का रिव्यू कि हमें यहाँ पे वन प्लस का वेदर सिंपल सा ही देखने के लिए मिल जाता है, जैसा कि MIUI में भी हमें देखने के लिए मिलता है। तो फिर फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे बात करेंगे अगली एप्लीकेशन की, जो कि है वन प्लस का फ़ोटोज़ एप्लीकेशन। तो आपको सिंपली वन प्लस एप्लीकेशन फ़ोटोज़ को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सिंपली इस वाले डिवाइस की परमिशन को अलाउ कर देना है, जो भी आपसे ये परमिशन यहाँ से मांगेगा। तो आपको देख सकते हैं कि मैंने इसको परमिशन को अलाउ कर दिया है, और मुझे यहाँ पे वन प्लस का फ़ोटोज़ एप्लीकेशन का रिव्यू इस तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। फ़ोटोज़, एल्बम्स, एक्सप्लोर, जो भी आपको देखने के लिए मिलता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला भी एप्लीकेशन बिल्कुल MIUI जैसा ही हमें देखने के लिए मिलता है। मैं आपको एक बार यहाँ पर MIUI गैलरी भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर MIUI गैलरी, एल्बम्स में जाएंगे, ऑल फ़ोटोज़, फेवरेट्स, कैमरा, वीडियोज़ वगैरह वगैरह, और यही सेम आपको वन प्लस के फ़ोटोज़ में ऑल कैमरा, वीडियोज़, स्क्रीनशॉट, मोर एल्बम्स में आपको ये सब देखने के लिए मिल जाता है। तो ये वन प्लस का जो कैमरा, मेरा मतलब ये जो फ़ोटोज़ का जो एप्लीकेशन है, ये बिल्कुल MIUI 13 की गैलरी एप्लीकेशन जैसा ही हम सभी को देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर भी कोई भी चेंज हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो फिर फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम बात करते हैं वन प्लस के माई फाइल्स एप्लीकेशन के, यानी कि वन प्लस का फाइल एक्सप्लोरर। तो आपको सिंपली इसको भी डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना है, और इसको डाउनलोड करने के बाद आप जब यहां से इसको ओपन करेंगे, तो आपको यहां पे डिवाइस स्टोरेज, आपका SD कार्ड। तो यहां पे SD कार्ड में एक बग है, आप जब यहां पे माई फाइल्स ओपन करेंगे तो SD कार्ड आपका 0 भी दिखाएगा। मेरे मोबाइल में SD कार्ड अवेलेबल है, तब भी यहां पे ये 0B/0B ही यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे डिवाइस स्टोरेज बिल्कुल करेक्ट हमें देखने के लिए मिल रही है। और इसके नीचे आपको फ़ोटोज़, आपने जो भी फ़ोटोज़ ली है वो सब आपको मिल जाएंगी, आपने जो भी वीडियोज़ कैप्चर की हैं वो सब आपको वीडियोज़ देखने के लिए मिल जाएंगी, आपने जो भी ऑडियो यहाँ पे ले रखा है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इसी के साथ आपने यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स अपने सेव कर रखे हैं वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आपके यहाँ पे एप्लीकेशन जो भी आपने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखी है, आपके जो भी अचीव्स हैं, आपकी ऑल जिप, RAR, 7J, 8JAR के फॉर्मेट में
वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और इसी के साथ आपको इसके नीचे व्हाट्सएप डाउनलोड्स ब्लूटूथ प्राइवेट से फेवरेट्स रिसेंटली डिलीटेड आइटम्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं जो भी आपने रिसेंटली में डिलीट किए हैं। तो मैं आपको एक बार यहाँ से एक आध फ़ोटो डिलीट भी करके दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ये इंस्टाग्राम की एक फ़ोटो यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। अब इसको डिलीट करने के बाद आपने जो भी फ़ोटो डिलीट की है रिसेंटली डिलीटेड में आपकी यहाँ से आ जाएगी और आप इसको यहाँ से रीस्टोर भी ईज़िली कर सकेंगे। आपको सिंपली एक बार यहाँ से रिकवर पे टैप करना है तो ये वाली फ़ोटो आपकी वापस उसी लोकेशन पे पहुँच जाएगी जहाँ से आपने ये फ़ोटो डिलीट की थी। तो ये तो हो गया वन प्लस के माई फाइल्स एप्लीकेशन का फुल रिव्यू कि आपको इस तरीके से वन प्लस का माई फाइल्स एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाता है। तो फिर फ्रेंड्स अब इसके बाद हम बात करते हैं वन प्लस के क्लॉक एप्लीकेशन की। तो वन प्लस के क्लॉक आप जब ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। आप यहाँ से कोई भी अलार्म यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं और आप जब यहाँ से इसको होल्ड करेंगे तो फिर आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। इसके साइड में आपको वर्ल्ड क्लॉक, इसके साइड में आपको टाइमर और इसके साइड में आपको स्टॉपवॉच भी देखने के लिए मिल जाती हैं। तो ये तो हो गया वन प्लस के क्लॉक एप्लीकेशन। इसमें आपको बिल्कुल सिंपल है, इसमें भी आपको कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स नहीं मिलती हैं। आप इसको यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं ये आपकी चॉइस है, लेकिन ये एप्लीकेशन भी बिल्कुल सिंपल एप्लीकेशन थी। लेकिन यहाँ पे वन प्लस की जो माई फाइल्स एप्लीकेशन थी वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऑसम एप्लीकेशन हमें देखने के लिए मिल गई थी। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे वन प्लस के कैमरे एप्लीकेशन की। तो यहाँ से वन प्लस के कैमरा एप्लीकेशन की बात करें तो हम जब यहाँ से कैमरा ओपन करेंगे तो आपको यहाँ से कैमरा टू टेक पिक्चर्स रिकॉर्ड वीडियो इस तरीके से आपसे परमिशन मांगेगा। तो आपको सिंपली परमिशन यहाँ पे इसको दे देनी है और इसको परमिशन देने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें फ़ोटो प्रो और प्रो के साइड में वीडियो, वीडियो के साइड में टाइम लैप्स इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है। और इसके साइड में आप जब सेटिंग्स में जाएंगे तो सेटिंग्स में आपको अल्ट्रा शॉट HDR स्मार्ट सीन रिकॉग्निशन मिरर सेल्फी फ़ोटो लॉन्ग ब्रेक शटर हिस्टोग्राम हॉरिजॉन्टल डिफरेंस लाइन ये सारे आपको सेटिंग्स में देखने के लिए मिल जाते हैं। और इसका अभी के लिए करंट वर्ज़न 6.2.22 हमें देखने के लिए मिल जाता है। और इसके ऊपर हमें ये 720 पिक्सल 1080 पिक्सल इस तरीके से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। और इसके साइड में आपको ये वाली फ्लैश लाइट भी देखने के लिए मिल जाती है। आपको फ्लैश लाइट ऑन करनी है ऑफ़ करनी है वो आप पे डिपेंड है। तो फ्रेंड्स यही थे पूरे वन प्लस के एप्लीकेशंस का फुल रिव्यू, वन प्लस का कैमरा, वन प्लस का वेदर, वन प्लस का फ़ोटोज़, वन प्लस का गैलरी और वन प्लस का माई फाइल्स एप्लीकेशन। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको इनमें से कौन सी फाइल्स ज़्यादा बेटर लगी। मुझे तो यहाँ पर ये माई फाइल्स की जो एप्लीकेशन है मुझे यहाँ पर ज़्यादा बेटर लगी एज़ कंपेरिजन टू MIUI फाइल मैनेजर। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कौन सी एप्लीकेशन ज़्यादा बेहतर यहाँ पे देखने के लिए मिली। तो आप इस वाली एप्लीकेशन को किसी भी Xiaomi डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं। उल्टा मैं आपको बता दूं कि ये एप्लीकेशन आप Android 12 में बेटर यूज़ कर सकते हैं। आप इनको Android 11 में अगर यूज़ करने जाएंगे, Android 10 में यूज़ करने जाएंगे तो ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में क्रैश आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। तो सभी फाइल्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। तो सिंपली जाइए सभी फाइल्स को डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टॉल भी कर लीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।